अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि एनआईएस का एग्जाम किस बेसिस पे होता है, किस पैटर्न पे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही अवेयर है इन चीज़ों से और वो भली भांति जानते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है और कैसे उन्हें देना होता है। लेकिन मैं भी सरप्राइज होता हूँ जब मेरे व्हाट्सएप पर इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पूछा जाता है कि सर जो एनआईएस के एग्जाम्स होते हैं या ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं। तो यानी कि अभी भी बहुत सारे तादाद में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि एनआईएस के एग्जाम्स कैसे होते हैं और कैसे दिए जाते हैं। तो मेरा आज का ये पूरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन बिगनर्स के लिए है जो नए नए आए हैं या फिर एनआईएस में एडमिशन लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। समझदारी के साथ इसको देखिए, समझिए और जानिए कि एनआईएस के एग्जाम किस पैटर्न में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, एनआईएस एक्सपर्ट, और मैं लेकर आता हूं एनआईएस की सारी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द। सबसे पहले अगर आप में से कोई भी नया आया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के साथ जुड़ के हमारा परिवार का हिस्सा बनिए। मैं बात कर रहा हूँ उन एनआईएस के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी इस बात की जानकारी नहीं है कि एनआईएस के एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो मैं सभी उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि देखिए, एनआईओएस के एग्जाम भी बिल्कुल एक तरीके से सीबीएसई के पैटर्न में ही होते हैं। जिस तरीके से सीबीएसई के स्टूडेंट जो है एक एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पे थ्री आवर्स का या फिर टू एंड हाफ आवर्स का जो भी एग्ज़ाम उनके सामने आता है उसको वो रिटर्न या जी हाँ मैनुअली लिख के अटेम्प्ट करते हैं। और चाहे उसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं चाहे सब्जेक्टिव है, दोनों मिक्स आते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है सीबीएसई का। उसी तरीके से यहाँ पर एनआईएस का भी कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। जी हाँ, एडमिशन ज़रूर ऑनलाइन होता है लेकिन यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन नहीं होता है। और आपको जो है ऑफलाइन इसे देना पड़ता है। वो बात अलग है कि जिस शहर में आप बैठे हैं उसी शहर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप उसी शहर का स्टडी सेंटर चूज़ करके अपना जो है उसी शहर में एग्ज़ाम देकर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। एनआईएस इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने रखता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स ऑफलाइन दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उस क्वेश्चन पेपर को देख के ही आपको पूरा का पूरा आंसर्स उसमें लिखने होते हैं। उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद एक महीने बाद एनआईओएस अपने जो है रिजल्ट डिक्लेयर करता है। और जिस रिजल्ट में एक खास बात यह रहती है कि जैसे सीबीएसई में मान लीजिए आप अगर 5 में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको सीबीएसई में रिपीट करना पड़ता है। लेकिन एनआईएस ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, 2 में फेल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ में जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जो भी पब्लिक एग्जाम होने वाले हैं या जो भी ऑन डिमांड एग्जाम होने वाले हैं या स्ट्रीम 2 के एग्जाम होने वाले हैं, उन एग्जाम्स में आप जाकर सिर्फ वो 2 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करके अपनी क्लास को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर या पिछले 6 महीने में पास कर दिए हैं उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रहता है कि मैंने प्रैक्टिकल पहले अटेम्प्ट कर दिया था, प्रैक्टिकल में मेरे को मार्क्स मिल गए थे, थ्योरी में मैं फेल हो गया था और मैंने दोबारा री अटेम्प्ट करा है, तो क्या मेरे को प्रैक्टिकल दोबारा देना है? तो मैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपने जो एग्जामिनेशन फीस पेड करी है वो थ्योरी की एज वेल एज प्रैक्टिकल की करी है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑलरेडी अगर अपडेट हो चुके हैं तो आप चाहें तो अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हैं, जी हाँ छोड़ सकते हैं, और आप सिर्फ अपना थ्योरी का एग्ज़ाम दें और थ्योरी के एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो मार्क्स आपके जोड़ दिए जाएंगे और साथ साथ जो आपके पिछली बार के क्वालिफाइड मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, वो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो यानी कि ना ही आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना होता है और ना ही कोई टीएमए दोबारा सबमिट करना होता है। सिर्फ अगर आप फेल होते हो, एसवाईसीटी आपका आया है यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, तो फिर सिर्फ आपको थ्योरी का एग्ज़ाम देना है। साथ साथ में ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट में लिखा होता है SYCP यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, तो इन दैट केस यू हैव टू गिव द एग्जाम्स ओनली ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, नॉट द थ्योरी एग्जाम। एंड समटाइम द स्टूडेंट्स आर गेटिंग SYC मीन्स सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, इन दिस केस स्टूडेंट्स हैव टू गिव
प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल एज थ्योरी एग्जाम दोनों ही उनको देना पड़ता है। तो इस चीज का भली भांति ध्यान रखें कि आपको SYC मिला है, SYCT मिला है, SYCP मिला है, क्या चीज मिला है रिजल्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम देने होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको NIS की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको इस तरीके के सारे सवालों के जवाब के बहुत ही सुंदर और शॉर्ट वीडियोस आपके लिए मैं बनाए हैं, जिसको आप वहां से हमारी प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि NIS की बहुत सारी डाउट रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के, और वो ढूंढते रहते हैं पूरे YouTube में, उन्हें नहीं मिलता है। तो हमने आपके लिए एक काम किया है, हमने एक पूरा प्लेलिस्ट जारी किया है NIS से रिलेटेड, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आपको वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस जो आपकी समस्या का हल करते हों। और अगर ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम जल्द ही वो वीडियो भी आप तक लेकर आएंगे। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, अच्छे लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।